नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का जन जागृत चैनल पर, आपका अपना न्यूज चैनल सच के साथ। प्रतापगढ़ रैली में संबोधित करते हुए कहा, कौन है राजा भैया? बीजेपी पर खुलकर बोले अखिलेश यादव। आने वाले समय में यही बेरोजगार नौजवान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। अनुराग ठाकुर कहते हैं कि आप दंगल, आप जवान दंगे होते हैं, वो दंगल कर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और इसलिए सफाया होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं, अभी आपने मुख्यमंत्री जी को पैदल 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 चलते देखा था, जो अभी से पैदल हो गए हों, और मार्च करते देखा उनको आपने, मार्च करते हुए। जब मार्च आएगी तो जनता इनका मार्च कर देगी। एक्सप्रेस वे तो बना, लेकिन प्रतापगढ़ को भी अच्छी सड़कों से जोड़ने के लिए और प्रतापगढ़ को विकास से जोड़ने के लिए काम करेंगे। एक बात जरूरी है, इतना अन्याय कहीं नहीं हुआ होगा जितना प्रतापगढ़ में समाजवादी कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठे मुकदमे लगे हैं। बड़े पैमाने पर अन्याय हुआ है। ये अन्याय जो हुआ है, मैं अपील करता हूं जनता से कि अन्याय करने वाली सरकार का सफाया करें, और जो अपमानित हुए हैं, इतना अपमान किसी जगह नहीं हुआ होगा जितना समाजवादियों का और जनता का अपमान यहां पर हुआ है। ये गोरखपुर में तो अभी व्यापारी मरे हैं, गोरखपुर में तो अभी व्यापारी मरे हैं। याद कीजिए, प्रतापगढ़ का एक व्यापारी मुख्यमंत्री से मिलकर के आया था, उसके बाद यहाँ हत्या हुई थी। कौन नहीं जानता, ये सरकार में हत्या हो रही। और अभी बनारस में एक 3 साल की बेटी के साथ क्या हुआ, कौन नहीं जानता क्या हुआ है। ये घटनाएं बढ़ रही हैं, और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी हटेगी, क्योंकि महंगाई का इनके पास जवाब नहीं है। आज पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर चला गया, कोई सिलेंडर नहीं भरवा पा रहा है। आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई बताइए। धान किसका खरीदा गया? किसी किसान का धान नहीं खरीदा गया होगा। जिला अध्यक्ष को जेल भेजा गया है, ये याद रखें। जो लोग इस तरह का कार्रवाई कर रहे हैं, हमें न्यायालय पे भरोसा है, न्यायालय पे हमें भरोसा है, न्यायालय न्याय करेगा। राजा भैया से क्यों नाराजगी क्यों है आप? ये कौन है, किनका नाम ले रहे हो आप? क्यों ले नाम ले रहे हो? ये कौन है, कौन है, ये कौन है? अरे पत्रकार साथियों, आप भी सरकार हटाना चाहते हो, हम जानते हैं। चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन यानी घंटी को दबाएं। धन्यवाद।